डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान, कहा मैं हूं जनता के साथ। भांडर विधानसभा क्षेत्र के जनपद प्रांगण में किसान सम्मेलन दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक चला, जिसमें प्रभारी डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस पार्टी को किसान हितैषी बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सरकार की उपलब्धि बताई और जनता के बीच कहा अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो वह मुझसे सीधा संपर्क करे। कार्यक्रम में स्यौड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह सहित भांडर विधायक श्रीमती रक्षा संतराम सोनिया, राकेश पटेल, नरेंद्र यादव, नरेंद्र कौरव, हरिओम त्रिपाठी, साहिद कुरैशी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जनता जनार्दन उपस्थित रही। भांडर से एसआरबी पर मुरारी रघुवंशी की रिपोर्ट। कुछ समस्या अगर लगे हैं और उन्होंने कर्ज माफी का जो वादा किया था वो निभा रहे हैं। दो पति है, इनके लिए 2,38,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। हम तो केवल मांग रहे थे 1.25 लाख करोड़ और वो केवल 50 करोड़ किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए, लेकिन वो उनके पास पैसा नहीं है, खजाने का, लेकिन केवल 200 आदमी है, केवल 200, उनके लिए कितना? 2,38,000 करोड़। प्रदेश के लघु और सीमांत कृषक, पहले छोटे किसान, उनका पूरे 25 लाख किसानों का कुल मिला के मध्य प्रदेश के 55 लाख के आसपास किसान हैं। इन किसानों को मोदी को जो पैसा देते थे हमारा हिस्सा मध्य प्रदेश का, जो आप टैक्स देते हैं, व्यापारी टैक्स देते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी और पैसा उसका हिस्सा भी आज हमें 3 महीने से मोदी ने। एसआरबी का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। एसआरबी बुलेटिन यूट्यूब चैनल भ्रष्टाचार, क्राइम, अवैध खनन को रोकने और जनता की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ मध्य प्रदेश, स्वच्छ भारत बनाना है। जय हिंद।